हेलो एवरी वन टूडे विल डिस्कस अबाउट द वर्कशीट फोर ऑफ चैप्टर फोर स्टार्टिंग फ्रॉम द सम वन फिलिंग द ब्लैक्स ये करने से पहले जैसे हमने कल जो डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल और बेस के बारे में ही हमने किया था आपको बताया था कि अगर सेम बेस हो तो उनकी पावर अगर सेम बेस वाले टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर एड हो जाती हैं बेस एज एडेस और पावर एड हो जाती हैं और अगर डिविज़न का केस होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं क्लियर है अब इसके अलावा हमारे टू लॉज और आ रहे हैं हमारे आ, कि अगर हमारा सपोज x टू द पावर m डिवाइड बाई x टू द पावर n है तो वैसे तो हमारा क्या बनता है x टू द पावर m माइनस एन बनता है ना पावर सब्टैक्ट हो जाती है बट हम इसको इसका रेसी का लिख सकते हैं तो वन बाय में एक्स की पावर वो अपोजिट हो जाएगी मतलब n माइनस एम हो जाएगी क्लियर है ये केस कब होता है जब m ई लेस दैन एन होता है मतलब छोटी पावर को अगर बड़ी से सबट्रैक्ट किया जाता है लाइक like देखो अगर टू की पावर फोर डिवाइड बाय टू की पावर टू है तो आप कर देते हो टू की पावर फोर माइनस टू कर देते हो ना क्योंकि डिवाइज है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा टू की पावर टू हो गया बट अगर इसी का ही अपोजिट हमें दे दिया जाए कि टू की पावर टू डिवाइड बाय टू की पावर फोर प्रोसीजर आप सेम फॉलो करो कि टू की पावर टू माइनस फोर हो गया ये दैट मीनस टू की पावर माइनस टू इसका मतलब क्या है कि ये वन बाय टू की पावर टू हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि ये आपने पहले भी किया हुआ है रेसिप्रोकल वाले केस में कि हमारी अगर कोई नंबर की पावर माइनस में है तो आप उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दो तो पावर पॉजिटिव हो जाती है तो नंबर टू था टू का रेसिप्रोकल वन बाई टू होता है तो इसकी पावर ये पॉजिटिव हो गई क्लियर है तो यही इसके अंदर ये रूल है नेक्स्ट है हमारा कोई भी नंबर हो कोई भी बेस हो अगर उसकी पावर जीरो होती है तो उसका आंसर क्या जाता है वन ये आपने वैसे पहले भी किया हुआ है लाइक टू की पावर अगर जीरो है टू की पावर जीरो क्या होता है वन कोई भी नंबर हो तो ऐसे ही रेशनल नंबर के केस के में भी वन बाय फोर है वन बाई फोर की पावर अगर जीरो है तो आंसर क्या रहेगा हमारा वन स्टार्ट वही वन फिलगीजर हमने फॉलो किया बड़ा तो नहीं हो सकता तो पावर नेगेटिव पावर नेगेटिव का मतलब 16 का ऐसी प्रोकल by 16 बायसटीन तो पावर पॉजिटिव ये आप डायरेक्ट रूल भी फॉलो कर सकते थे माइनस तो m होता ना उस रूल के अकॉर्डिंग तो टू द पावर नेक्स्ट अदर पार्ट है हमारा देखो इलेवन बाय ट्वेल्व है इलेवन बाय ट्वेल्व की क्या पावर होनी चाहिए थी कि जिसको हम इससे डिवाइड करें तो आंसर हमारा ये आए। अभी रेसिप्रोकल है अगर हम इसे रेसिप्रोकल को सीधा कर दें राइट साइड था देंगे तो पावर में हो गई क्लियर है अब हम किस नंबर को यहाँ डिवाइड मतलब माइनस होगी तो यहाँ क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसमें से ट्वेंटी टू माइनस करने पर माइनस टू बनना चाहिए था ट्वेंटी होना चाहिए था ट्वेंटी में से ही माइनस ट्वेंटी टू करेंगे तभी तो माइनस टू आएगा क्लियर नेक्स्ट है हमारा सेम है देखो वन बाय थ्री की पावर हमारी क्या होनी चाहिए कि हमारा राइट साइड में वन बाय थ्री की पावर सिक्स बन जाए तो राइट साइड ले लेते हैं वन बाय थ्री की पावर क्या बन गई टू मल्टीप्लाई थ्री कर सकते हैं अब इसका मतलब क्या है वन बाय थ्री स्क्वेयर की पावर हमारी थ्री है सो दिस इज द आंसर ऐसे ही आगे के पार्ट हैं हमारे कुछ अलग नहीं है सेम प्रोसीजर है सो ये आप पार्ट्स कर सकते हैं अपने नोटबुक में नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म सिंपलीफाई करना है बट जो रिजल्ट है वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें दिखाना है तो वो हम कैसे करेंगे देखो नाइन बाई टू टू द पावर जीरो टू द पावर फाइव आप पावर की भी पावर दे रखिए इसके टू मेथड है करने के मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ जो आपको इजी लगे आप वो करें मेरे अकॉर्डिंग सेकंड मेथड ज़्यादा इजी रहेगा बट मैं आपको फर्स्ट भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक्चुअली ये बना किस वजह से सेकंड मेथड भी फर्स्ट मेथड की वजह से बना है तो एक्चुअली फर्स्ट मैथड है मेन सो नाइन बाई टू द पावर जीरो और उसकी होल पावर क्या है फाइव दैट मीन्स ये इसको आप एक कंप्लीट एक नंबर मान के चलो उस नंबर की पावर क्या है फाइव पावर फाइव होने का नंबर ये नंबर फाइव टाइम्स आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में जो नाइन बाई टू की पावर जीरो मल्टीप्लाई नाइन बाई टू की पावर जीरो फाइव टाइम्स कर दिया अब सेम नंबर अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है एड हो जाती है सो दिस इज़ नाइन बाई टू की पावर जीरो बट एक्चुअल में ये हुआ क्या है अगर पावर की पावर हो जाती है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है फाइव जीरो द ज़ीरो तो ये उस मेथड से हो सकता था जो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे यूज़ माइनस फाइव बाई सेवेंटीन टू द पावर सिक्स टू द पावर थ्री सो so, क्या हो जाएगा माइनस फाइव बाई सेवेंटीन सिक्स टू मल्टीप्लाई थ्री पावर मल्टीप्लाई होंगे मतलब माइनस फाइव बाय सेवनटीन टू द पावर एटीन सेम है आगे ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट है कुछ अलग नहीं है फोर्थ पार्ट में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है बस इसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म सॉल्व हो, होगी ना एक सिंगल टर्म होगी तभी हम हर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो फर्स्टली यहाँ पर टू टर्म्स हैं सेम बेस हैं पावर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी एड हो गई बाहर वाली पावर एज एट इज सो माइनस टू बाई फाइव की पावर फाइव बन गई टू द पावर फोर अब पावर की पावर हो गई तो मल्टीप्लाई एंड दिस विल बी द ट्वेंटी पावर क्लियर है ये हमारा वही जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था फिलिप्स में उसके जैसा ही है कुछ अलग नहीं है ये हमारा सेम वही प्रोसीजर है ये भी आप कर सकते हो ये हमारा फोर्थ पार्ट के जैसा ही है सो यू कैन डू दिस पार्ट ऑल्सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है एवेलुएट इवेलुएट का मतलब क्या होता है आपको कंप्लीट सॉल्व करके आंसर निकालना मतलब पावर्स में नहीं करना उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म मांगी हुई थी तो एक्सपेनेशियल निकाली बट तो इसमें हमें कंप्लीट सॉल्व करना है लाइक माइनस थ्री बाई फोर टू द पावर थ्री डिवाइड बाय माइनस थ्री बाई फोर टू द पावर फाइव सेम बेस है दोनों के सेम बेस हैं तो पावर क्या हो गई सब्ट्रैक्ट माइनस टू अब पावर माइनस टू का मतलब क्या है इसका रेसिप्रोकल कर दें तो माइनस फोर बाय थ्री की पावर टू पॉजिटिव बन गया ना सो so, इसका मतलब क्या है माइनस फोर टू टाइम्स मल्टीप्लाई एंड देन थ्री मल्टीप्लाई थ्री दिस विल बी सिक्सटीन by 19. सेम है आगे का भी ये भी बिल्कुल एक जैसा ही है सो so ये आप कर सकते हो सॉल्व नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है ये भी ऐसा ही है इसको भी आप कर सकते हैं सॉल्व फोर्थ पार्ट भी इजी है इसको भी आप कर सकते हैं आगे है हमारा फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है वन बाय टू टू द पावर फाइव डिवाइड वन बाय टू टू पावर थ्री अब ये भी तो डिवाइड का ही सिंबल है ना ये भी डिवाइड का सिंबल होता है और ये भी माइनस वन बाय टू टू पावर सिक्स डिवाइड बाय वन बाय टू टू पावर फाइव इसको हमने इस वाली फॉर्म में लिख दिया तो इसका मतलब क्या है ये नंबर इस

नेक्स्ट हमारा है सिक्स पार्ट फोर बाय नाइन टू द पावर फोर डिवाइड बाय सिक्सटीन बाय एटी वन टू द पावर टू अब यहाँ पर हमें बेस सेम नहीं दिख रहे तो हम पहले बेस सेम बना दे हमें दिख रहा है कि हम 16 को 4 की पावर में लिख सकते हैं 81 को हम 9 की पावर में लिख सकते हैं तो यही हमने किया फर्स्ट टर्म एज इट इज डिवाइड बाय 16 की जगह क्या लिख दिया 4 टू द पावर 2 फोर का स्क्वायर 16 होता है और इसको 81 को क्या लिख दिया 9 का स्क्वायर और कंप्लीट की पावर टू ऑलरेडी हमें गिवन थी नेक्स्ट ये एज इट इज डिवाइड बाय अब ये फोर की पावर टू और नाइन की पावर टू मतलब कंप्लीट की पावर टू ले सकते हैं सो फोर बाय की पावर टू देन ये टू पावर्स आ गई एक साथ तो मल्टीप्लाई हो गई फोर एंड देन डिवाइड वाला रूल फॉलो कर दिया किसी भी नंबर की पावर जीरो आंसर क्या होता है वन सो यू हैव टू डू दिस सम वन टू थ्री इन योर फेयर नोटबुक थैंक यू